नेटवर्क। आज आर्यन ग्रुप की तरफ से अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था 29 फरवरी पे, क्या कहना चाहोगे? मैं ये जो आर्यन ग्रुप और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने जो आज इफ्तारी का प्रोग्राम रखा है, एक लोगों को जोड़ने का उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे आज, और एक हादसा होने के बाद भी उनके घर में फिर भी उन्होंने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, पैगाम दिया मालूनी को और पूरे देशवासियों को कि हम सब एक है। जो नफरत की राजनीति हो रही है उनके ऊपर एक ये तमाचा मारा गया है, और इसी तरीके का काम आर्यन ग्रुप और इनकी पूरी टीम हमेशा करती है। हम लोगों का पूरा सपोर्ट है उनके साथ में, और हम पूरी उनको दुआएं देते हैं दिल से कि आगे भी वो इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जो इन्होंने दिया है, बहुत शानदार पैगाम दिया है आज उन्होंने, और वो पैगाम आपके सामने इस वक्त। आर्यन बॉयज की तरफ से आज 29वां अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहोगे? आज 29वां हो रहा था इसलिए सब आर्यन बॉयज मिलके अफ्तार की पार्टी रखे थे। बहुत अच्छा लगा है, पब्लिक भी आप देखे काफी, बहुत मजा आया। और खास करके आर्यन बॉयज के ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है उनके अब्बा का कल इंतकाल होने के बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? इंतकाल हो गया अभी, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, ये करना जरूरी है। तो बोले थे तो करना जरूरी है ना, रमजान का महीना है, ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। रमजान ईद पर क्या शुभेच्छा दोगे? रमजान ईद पर ये जो है सब मिलजुल कर रहो, अच्छे से रहो, और क्या बोले। आर्यन ग्रुप की तरफ से अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहोगे? मैं आर्यन ग्रुप का बहुत काबिल तारीफ काम किया इन्होंने, और इफ्तारी पार्टी में हिंदू मुसलमान सब भाइयों को बुलाकर जो पार्टी का आयोजन किया उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी तरह हमारे मालवणी में आर्यन ग्रुप ने जो काम कर रहा है, सभी लोगों को यही निवेदन करूँगा कि सब मिलजुल कर एक होकर कल परसों ईद हो जाएगी, ऐसी खुशी से ईद मनाएं। हर आदमी सुखी से शांति से ईद मना के अपना अपना त्यौहार को सुकून से मनाएं। बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा। सबसे आज 29वां रोज़ा अफ्तार पार्टी की रखी गई थी, क्या कहना चाहोगे? ये जो अफ्तार पार्टी रखी गई थी बहुत अच्छी तरीके से रखी गई थी, और बहुत अच्छा है हमारा ये आर्यन बॉयज जो सैयद फिरोज अली है, बहुत अच्छे से हम लोग पार्टी रखते हैं। हम बहुत खुश है कि हमारे आर्यन बॉयज ने जो पार्टी रखा है सबके लिए, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे, सबके लिए हम लोग एक ही जैसे है। और अफ्तार पार्टी लोग के लिए सबके लिए है, हमने रमजान का जो आज ये अफ्तारी पार्टी रखा है आर्यन बॉयज की तरफ से।